गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं डल लेक की ओर और यहाँ हम शिकारा लेंगे, थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं डल लेक में भी, थोड़ी फोटोग्राफी करेंगे और फिर निकलेंगे हम लोग कारगिल के लिए सोनमर्ग होते हुए कारगिल जाएंगे और वो लगभग यहाँ से 200 किलोमीटर है। रात को बारिश हुई थी, अब सुबह रात मिली है, थोड़ी देर की धूप भी निकली थी लेकिन फिर बादल हो गए। देखते हैं आज का दिन कैसा होगा। ये देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है यहाँ पर, छोटी छोटी बोट चारा और वो बोट हाउस से हमने शिकारा बुक कर ली। अच्छी खासी बार्गिंग हो जाती है और जब हमने शादी किया तो उन्होंने 1500 का डिमांड किया, जो हम उसको धीरे धीरे 400 रुपये आएंगे। यह अभी हमारी शिकारा इसमें बैठेंगे। और ये हमारे ऑपरेटर साहब, देखो नाम क्या आपका? एजाज। एक और शॉप हमारे निकल के बैठने में अच्छा लग रहा है। अब ये दूसरी दुकान आ रही है, ये दुकान ये चल रही है हमारे साथ पहले का भी कोई, और ये इधर सब्जी आपको कोई पैसा कर के दे गिफ्ट आइटम? नहीं सर, अभी तो हमें आगे सफर करना है। ये फोटो वाला कर रहा है, ये फोटो खींचने के लिए आए। कितने लेते हो फोटो के? एक बड़ा पड़ेगा 130 का और छोटा पड़ेगा आपको 80 रुपए। ये देखिए छोटी सी बोट में कितना लोड डाल रखा है, जान निकाल दी इस बोट की तो, है 4-5 बंदे ही काफी थे, है ना? दो तीन और आ जाएंगे, बड़ा है ना? 3-6 ये बड़ा है आपका, बड़ा समझो एक दर्जन बंदे हैं। ये डल लेक की सफाई हो रही है। कई बार सर्दियों में डल झील जम जाती है और उस टाइम शिकारा राइड या बोट हाउस को एंजॉय नहीं किया जा सकता। और अब फिर से मौसम बदल रहा है, लगता बारिश हो सकती है। ये हमने गुल बदल लिया है डल लेक में, इसको टेस्ट कर रहे हैं। आइसक्रीम से भी मजा है, एक एक पूरा लेना चाहिए था। दे दे भैया, हाँ एक और चाहिए, अच्छा लग रहा है मुझे, खा तो ये आ गई दोबारा वही शॉप आ गया हमारे पास, गुल बदन। गुल का बदन, गुलते अच्छा, गुलते बदन कुछ लैंग्वेज ना ऐसी होती है, थोड़ा सा नहीं आती। कश्मीरी, डोगरी, तिब्बती काफी मिक्स है यहाँ पर, काफी बढ़िया है, अच्छा है, अच्छा लगा टेस्टी, टेस्ट बहुत बढ़िया। डल लेक के ऊपर कुछ हाउस बोट में ये दुकानें मौजूद हैं और ये एक दुकान है जिसमें कश्मीरी ड्राई फ्रूट, कश्मीरी मसाले, केसर, कहवा इत्यादि मिलता है। केसर का रेट है 300 रुपये प्रति ग्राम और ये है कहवा मसाला, ये बहुत बढ़िया बनता है। मज़े ले रहे हैं शिकारा में बैठकर और ये इस डल लेक का बैक साइड है, बैक पॉइंट। अब हम मेन पॉइंट पर जा रहे हैं जो फ्रंट साइड में है। ये देखिए यहाँ पर लेडीज भी नाव चला रही है। ये श्रीनगर भारत के उत्तर में स्थित जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1600 मीटर है और यहाँ की राजभाषा उर्दू है। और ये शहर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है और दोपहर के 2 बजे हैं और हम जा रहे हैं लेह लद्दाख अपनी बजाज प्लेटिना 100cc बाइक से। दोस्तों डल लेक से वापस आने पर दोपहर तक बारिश होती रही और इसी वजह से 2 बजे हम श्रीनगर से कारगिल की ओर निकले हैं। देखते हैं आज कितना सफर कंप्लीट होता है। लगता है झगड़ा हो गया यहाँ पर। ओ माय गॉड, रोड रेज हो गया। Oh no.
चलो चलते हैं आगे। मौसम के बिगड़े मिजाज की वजह से हम श्रीनगर में ज़्यादा नहीं घूम पाए। वैसे श्रीनगर में घूमने के लिए डल लेक के साथ मुगल गार्डन, तुलिप गार्डन, शंकराचार्य मंदिर, परी महल, चश्मे शाही, नागिन लेक प्रमुख है। चलो फिर कभी जाएंगे यहाँ पर। अभी चलते हैं लेह लद्दाख। दोस्तों श्रीनगर बहुत बड़ा शहर है जो लगभग 250-300 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और इस शहर की पॉपुलेशन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 12 लाख है। तो मैं अभी पहुंच गया हूं वयूल। ये सिंध नदी के पास है। सिंध नदी हमारे साथ साथ चलेगी, शायद सोनमर्ग तक चलेगी और नेशनल हाईवे नंबर 1 जो उड़ी से लेह तक जाता है उसी हाईवे पर मैं खड़ा हूं। और अभी श्रीनगर से निकले थे, सुबह से मौसम काफ़ी ख़राब था, अब थोड़ा ठीक हुआ तो अब हम निकले हैं। आज हम कारगिल तक पहुँच जाएंगे। बारिश के बाद मौसम बहुत बढ़िया हो गया है और रोड की कंडीशन भी अच्छी है। दोस्तों मैं हूं अभी श्रीनगर लेह हाईवे, नेशनल हाईवे नंबर 1 जो उड़ी से लेह तक जाता है और अभी श्रीनगर से लगभग 35 किलोमीटर दूर आ गया हूं मैं, सुबह से इतना ही चलाई। और यह है सिंध नदी जो झेलम नदी की सहायक नदी है और ये श्रीनगर में झेलम नदी से जाके मिल जाती है और इसका भी काफ़ी तेज वेग है और काफ़ी तेज गति से बह रही है, काफ़ी पानी है। और ये देखो यहाँ के रोड, वादियाँ, नज़ारे मस्त, बिल्कुल बहुत बढ़िया नज़ारे हैं। अभी मेरे साथी यहाँ पहुँचने वाले हैं, मेरे से शायद 1 किलोमीटर पीछे रह गए थे, अब बढ़ते हैं फिर आगे, थोड़ा सा वेट करेंगे फिर आगे चलेंगे। दोस्तों ये रोड नेशनल हाईवे नंबर 1 है जो उड़ी से श्रीनगर कारगिल होते हुए लेह तक जाता है और ये हाईवे BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है। अभी हम नेशनल हाईवे नंबर 1 पर सिंध नदी के साथ साथ चल रहे हैं। मेरे राइट साइड में सिंध नदी है और ये सिंध नदी बाबा अमरनाथ बर्फानी की पिछली पहाड़ियों से निकलकर बालटाल से सोनमर्ग होते हुए श्रीनगर की ओर प्रवाहित होती है। दोस्तों इस रास्ते पर भेड़, बकरी, नदी, पहाड़, पत्थर, घाटी, पेड़, पौधे, बर्फ, ग्लेशियर सब कुछ है। ये मेरा हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। तो फ्रेंड्स मैं अभी पहुंचा हूं सोनमर्ग के बिल्कुल नज़दीक और सोनमर्ग यहाँ से लगभग 5-7 किलोमीटर दूर रह गया है और काफ़ी ऊंचे से पहाड़ बिल्कुल खड़े और साथ में इसी रास्ते पर एक ग्लेशियर मिला, बहुत बड़ा ग्लेशियर है ये, ऊपर से नीचे आया हुआ है, नीचे आके बहुत फैल गया। और ये सिंध नदी है, सिंध नदी के किनारे पर ही फैला हुआ है ये और पीछे सिंध नदी काफ़ी उफान पर है और ये सिंध नदी श्रीनगर में जाकर झेलम नदी से मिल जाती है और ये झेलम नदी की सहायक नदी है और झेलम नदी पाकिस्तान में सिंधु नदी के साथ संगम करके और फिर अरब के अरब सारे में मिलते हैं। तो ये साथ मिले हैं, ये भाई राजस्थान से है। क्या नाम भाई साहब आपका? रोहित। रोहित राजस्थान में कौन से डिस्ट्रिक्ट से? अजमेर से। कब चले थे यहाँ? आज कंटिन्यू चल रहे हो राजस्थान से? कमाल, हम तो भाई आपको से कम। और ये भाई नाम आपका? विष्णु। फ्रॉम केरला। केरला, केरला डिस्ट्रिक्ट त्रिशूर। अभी बिखरे हुए बाल आपके। और ये तमिलनाडु से? सत्या। आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई, आपने हमारे साथ बाइक की अनिल भाई और हम छोटी सी बाइक से इस सफर को अंजाम दे रहे हैं। देखते हैं हमारे साथ कहाँ तक देखते हैं। अभी मेरे साथी आ रहे पीछे थोड़े से कैब में थे। बढ़ते हैं आगे, आगे का सफर यही चलता रहेगा, देखते हैं सोनमर्ग में रुकेंगे या कारगिल पहुंचेंगे, वक्त बताएगा। वेलकम टू सोनमर्ग। सोनमर्ग के लिए क्या हो रही है, सिंधु नदी को क्रॉस करके
अगर सोनमर्ग से आगे निकलते हैं तो जोजिला पास आएगा जो काफी डेंजर पॉइंट है और रात हो जाएगी तो रात को क्रॉस करना ठीक नहीं रहता, इसलिए आज हम सोनमर्ग में स्टे करेंगे। तो चले चलते हैं सोनमर्ग की ओर। आधे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जब धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। अब हम पहुंच गए हैं सोनमर्ग, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2800 मीटर है। दोस्तों, श्रीनगर से सोनमर्ग तक का थर्ड डे व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब आपसे नेक्स्ट डे व्लॉग में मिलेंगे, तब तक मस्त रहो, स्वस्थ रहो और देखते रहो जियो इंडिया। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।